वेलकम बैक एवरीबडी सुला वाइन यादस के बारे में बात करेंगे और ज़बरदस्त रिजल्ट आया यार इस कंपनी का मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अभी भी इंडिया के अंदर वाइन का इतना पेनिट्रेशन है नहीं जो स्टार्थ भी बोलते हैं मतलब ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है एंड मुझे लगता है ये जो जनरेशन है बॉर्न आफ्टर टू थाउजेंड ये इन इन लोग की वजह से थोड़ा सा वाइन का पेनिट्रेशन बढ़ सकता है सेकेंडली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक की प्लेयर रहेगा हमें लगता है वो आने वाले समय में बढ़ेगा एंड उसके बाद में भी जो है वाइन की डिमांड बढ़ सकती है सुला एक मेजर प्लेयर रहेगा डेफिनेटली क्योंकि इनके पास में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिटरल नहीं मिलेगी क्योंकि पहले भी वाइन तो आती थी बट इन्होंने जो ब्रांड स्टाब्लिश करा है सुला वो उसकी वजह से इन्हें मेजर बेनिफिट मिलेगा और उनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है सबसे बड़ी बात मार्केट का आप फोर्टी वन हंड्रेड करोड़ का है आर ओई अट्ठारह परसेंट सेल्स ग्रोथ ये फाइव इयर्स को अभी नहीं काउंट करते हैं क्योंकि कोविड ईयर्स से बीच में उसके बाद वाले को ज़्यादा काउंट करेंगे बट यहाँ पे कुछ न्यूज आए हैं सेवेंटीन परसेंट के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है जून के क्वार्टर में वो मैं आपके साथ में रिजल्ट डिस्कस करूंगा ही उससे पहले पंद्रह मई दो हजार तेईस सवा पाँच रुपये का डिविडेंड देखने को मिला आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आता है तो इंडस्ट्री का भी थर्टी पे है स्टॉक का भी फोर्टी सिक्स पे है प्रोमोटर्स के पास में ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ द कंपनी है एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी है वो हम लोगों ने ये इसमें थोड़ा सा नहीं अभी इसको कंफर्म करा है कि इसके अंदर कोई एंकर होल्डिंग तो नहीं है अगर वो है तो फिर वो आपके साथ में डिस्कस कर देंगे मतलब अपडेट कर देंगे उसे बट वो हम लोगों ने अभी देखना है सेल्स नंबर देखो मैं आपको यही चीज़ कह रहा था दो में पाँच करोड़ के सेल्स से सेल्स नंबर दो के बाद से वापस से ग्रो करें हैं हाँ कोविड में डेफिनेटली प्रॉब्लम थी यार काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कोविड से पहले बहुत बेटर थी अभी रिकवर नहीं हो पाया उस तरीके से बट सेल्स वापस 500 हंड्रेड करो उसके पास आ रहे हैं तो ये एक हेल्दी साइन है यहाँ मेरे ख्याल से जून का रिजल्ट ही अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर जून का रिजल्ट अपडेट नहीं है फ्रेंड्स एंड यहाँ पर जैसे ही अपडेट होगा हम लोग आपके साथ में अपडेट करेंगे बाकी ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इससे पहले भी जून का रिजल्ट नहीं है यहाँ पे चलो वील we'll अपडेटेड बोरिंग्स वन नाइन्टी टू ग्रोज़ के, के हैं रिजर्व फाइव थर्टी नाइन ग्रोज़ के बट न्यूज़ से पता चल रहा है कि रिजल्ट अच्छे थे एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में कुछ लिखा है शायद यहाँ पे सुला हुआ ड्रेस टू एटी एट ये बाद में देखेंगे इसके इसको अभी इग्नोर करिए एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पार्टनर का ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ द कंपनी प्रमोटर्स के पास में एफ आई आई एज ने स्टेक एड करा है डी आई आईज ने स्टेक थोड़ा सा कम करा है पब्लिक के पास में स्टेक बड़ा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेल्थ इन्वेस्ट आन कंपनी अभी इसे होल्ड करते हैं आइए चार्ट पर डिस्कशन करते हैं यहाँ से देखिए स्टॉक ने बहुत ही अच्छा ट्रेंड के अंदर रिवर्सल पकड़ा है और ये जो ग्रोथ आई है ये मतलब डेफिनेटली एक काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रही है काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ से काउंटेन करी है जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है यहाँ से स्टॉक एक चैनल पैटर्न के अंदर ही है चैनल पैटर्न में स्टॉक किसी भी लेवल तक सक जा सकता है स्पेशली जब स्टॉक न्यू हाइस बनाता हुआ नजर आ रहा है हमें इसके अंदर एक चीज़ आपको क्या इन कर सकते हैं क्या तरीका रह सकता है उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिन देखो ये उनके लिए प्राइमरी जिन्होंने पोजिशन्स नहीं बनाए हुए हैं अगर आपके पास प्रीवियस पोजिशन है तो मैं आपकी जगह होता मैं यहाँ पर होल्ड करना प्रेफर करता क्योंकि स्टॉक एक अच्छे जोन पे है मुझे नहीं लगता है, ये कोई प्रॉब्लमेटिक जोन है जिन्होंने नए पोजिशन्स बनाने हैं उनके लिए मुझे लगता है ये जब तक कंसोलिडेशन जोन के बाद से ब्रेकआउट नहीं आता है आज के दिन में डॉजी कैंडल बनी है ऑल दो ब्रेकआउट की पूरी कोशिश जरूर करी थी एनी वेज ये जो लेवल है जब तक ब्रेक नहीं होता है फाइव हंड्रेड रुपीज़ का साइकोलॉजिकल फिगर है एक तब तक मैं स्टॉक में नए पोजिशन या फिर नए अगर आप पहला फर्स्ट एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो मैं इस लेवल का वेट करता फाइव हंड्रेड के लेवल को ब्रेक होने का वेट करता ये पोजिशन ब्रेक होते तो हम लोग ऐड करने की सोच से सेवन एट परसेंट के लेवल्स को ट्रेल करते हर बार एंड अल्टीमेटली देखिए सेवन एट परसेंट को ट्रेल करेंगे तो फाइव थर्टी के आसपास का पहला जोन रह सकता है विद दैट सेट उम्मीद करता हूँ वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग